तो गाइस इसराइल के सबसे लंबे समय तक यानी तकरीबन 12 वर्ष तक इसराइल के प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का प्रधानमंत्री पद का सफर अब समाप्त हो चला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी लंबे समय से इसराइल के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए उठापटक चल रही थी, बार बार मतदान हो रहे थे, इसके बावजूद भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अब फाइनली जब बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को बहुमत साबित करने का मौका दिया और वो इसमें असफल हो गए, तो उसके बाद उनकी विरोधी पार्टियों ने आपस में हाथ मिला दिया है और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के सफ़र को अब लगाम लगा दी गई है। नेफ्ताली बेनेट अब इसराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वैसे आपको बता दिया जाए कि जिन दो सबसे बड़ी प्रमुख पार्टियों ने हाथ मिलाकर बहुमत साबित किया है उन दोनों के अपने अपने प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि आधे समय तक नेफ्ताली होंगे इसराइल के प्रधानमंत्री सबसे पहले और उसके बाद आधे समय तक दूसरी विपक्षी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों यही अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है इंटरनेशनल न्यूज़ से।